भाई यो पूरी वीडियो देख के जाना। सो कैसे हो आप सब लोग, और हमारे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो जो नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। तो हमारे जो नए YouTube चैनल पे ये जो वीडियो आई है, तो आपको सही सही बता दूं, जो ये हमने टीवी लाया है बहुत ज्यादा डिफरेंस और बहुत ज्यादा मुश्किल से लाया है। तो हम इस टीवी का क्या करने वाले हैं कि ये जो है टीवी हम इसमें कौन कौन सी मतलब इन्वेंशन की गई थी ये, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या क्या रेवोल्यूशन हुए थे उस टाइम। जो ये टीवी आए थे बहुत ज्यादा बहुत बड़ी इन्वेंशन थी उस टाइम, क्योंकि कैथोड रे से एक टाइप से मतलब कि पिक्सलेशन और बहुत सारा रे रिफ्लेक्टर की वजह से, एक रिफ्लेक्टर गन की वजह से इस पे स्क्रीनिंग की जाती थी ब्लैक एंड व्हाइट, फिर आया कलर्ड। आज के टाइम पे जो टीवी है रेवोल्यूशन होती गई तो चीजें तो बदलती हैं। एलसीडी वगैरह जो रेवोल्यूशन की अच्छा खासा पिक्सलेशन है, और ये वाले में इतना बड़ा वैक्यूम टाइप का होता था, इसमें मतलब बहुत ज्यादा केमिकल वगैरह यूज करके एक रिफ्लेक्टर की वजह से इसमें ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस बनाते थे। तो ये इस टाइप के रेवोल्यूशन थे। आज के टाइम में फोन की डिस्प्ले यूज है, जैसे फोन की डिस्प्ले होती है वैसे टीवी है, और ज्यादा नहीं है उसमें। बट आज हम इसे खोलेंगे, हैरान करने वाला एक्सपेरिमेंट है। प्लीज जुड़े हैं इस एक्सपेरिमेंट के साथ। प्लीज ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हम नई वीडियो और लाते रहें। तो सपोर्ट करें, हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है इस टाइम हम आपकी, तो बहुत ज्यादा मुश्किल करते हैं। तो हमारे पास ये है टीवी, हमने खोल दिया है, पूरा का पूरा सेटअप खोल के रखा है। आप तो इसमें जो स्टेपल वगैरह ये उठा लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये जो रिफ्लेक्टर गन है इसे तोड़ते हैं। तो ये जो है कि इनके साथ कनेक्शन का वर्क करता है, मतलब कि कलरफुल रिफ्लेक्टर के जो हैं उसके साथ ही कनेक्शन है। तो इसे तोड़ेंगे पहले, और गैस की आवाज सुने। हाँ, इसमें एक प्रेशराइज हवा है, देखिए आवाज सुने आप। तो इस टाइप से गैस निकली बहुत ज्यादा सीरियस केस है। तो ये हमारा कैथोड गन निकली। तो ये है कैथोड गन। तो इसमें तीन रिफ्लेक्टर लगे हैं, ब्लू ग्रीन और दूसरा कलर है। तो ये कैथोड ट्यूब है, इसे हम थोड़ा साइड पे रखेंगे या इन पे इन्वेंशन करेंगे। तो पहले हम इसे साइड पे रखते हैं, तो इसे देखते हैं। तो देख सकते हो तो गैस निकली, तो इसके अंदर वाले पार्टिकल्स आप देख रहे हैं। तो देख सकते हो, तो सेफली देखा जाए तो आप ट्राई मत करें, क्योंकि इसके शीट्स जो है बहुत ज्यादा मोटे हैं। और जो आपको ये ब्लैक जैसा दिख रहा है, तो ये बता दूं ये जो चीज है ब्लैक कलर की, ये रिफ्लेक्टिंग करने के लिए, बट ऐसे मिटा दिया जाए ये थोड़ा पुराना है। ये होता है इसकी इसी वजह से रिफ्लेक्ट होता है। आप इतनी बड़ी स्क्रीन है तो सीधा ही गन बजेगी तो वो बीच में लगेगा मिडल में, बट ये क्या करता है रिफ्लेक्ट करता है, जो ब्लैक कलर का ये है तो रिफ्लेक्ट करता है, ताकि वो पूरे स्क्रीन को एक रेक्टेंगुलर शेप में वो पूरा दिखाए। तो ये डार्ट होता है, इसमें गैस फिटेड की होती है। ये जो डार्ट है आपको देख सकते हो ये कितना ज्यादा मुलायम है। तो इसे फिक्स किया गया था बाद में गैस डालने के बाद में, साइड करते आपको इन्वेंशन पूरी दिखाएंगे कि क्या क्या साइंटिस्ट ने खुरफाती आइडिया लगाया था। एकदम सेफ्टी के साथ करने, क्योंकि हाथ कटने का ये तो ये हम साइड में रखते हैं। स्टेबल बहुत ज्यादा शीशे हैं इनके साथ। तो भी है केमिकल होते हैं इसमें लगते हैं, तो इसे थोड़ा काट लेते हैं। तो जस्ट ले, तो हमने देसी चाकू लाया है। तो हम इसे दिखाओ, तो फ्रंट साइड आप देख सकते हो तो ठीक है। अब तो मैं इसे तोड़ देता हूँ, तब तक वीडियो कॉल। तो हम तोड़ रहे हैं इसे,
टाइप का ये कोई सांचा टाइप है, तो सीजनिंग के हिसाब से ठीक की है, बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है यूज की, तो एकदम फिटिंग पूरा एक दूसरे में है। खोल दें तो शायद आपको लगेगा कि लॉक लगे हैं ड्यूल में, तो ये सांचा खुल गया। तो बहुत तेज सांचे हैं और थोड़ा तो बहुत ज्यादा मिरेकल चीज निकली है, छन्नी टाइप से हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे, पहले मैं इनकी शिवलिंग के बारे में बताऊंगा। तो इस तरीके से हाथ कट जाते हैं अगर ध्यान से ना किया जाए, तो जो आपको ये केमिकल दिख रहा है ना, यही मैं केमिकल की बात कर रहा था, सल्फाइड ऑक्साइड और साथ में जिंक है ये, तो इस शीट पे पड़ता है, तो ये एक ब्राइटनेस का काम करती है। तो मैं आपको सही से दिखा दूं, ऐसा नजारा है इसका, ये जो आपको दिख रहा है ये मैं केमिकल की बात कर रहा हूँ। इससे आगे ये शीशा है, तो इसकी कोटिंग की गई है, ठीक है, उसके आर पार आपको दिखेगा, ये देखिए मेरे हाथ दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। और बहुत ज्यादा आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज सपोर्ट कर लेना। तो हम इसे हटा देते हैं, देखते हैं ऐसा है मोटा शीशा, तो इसे हम हटा देते हैं। अब ये है, कुछ अलग लग रहा है आपको, कुछ थिंक आ रहा है क्या हुआ? ये जो मैंने आपको तीन गन के जो तीन चीजें बताई थी, तो गन की ये जो तीन चीजें, अब मैं आपको थोड़ा ये लगे एक शूट गन टाइप के, तो ये जो तीन डॉट है ये तीन कलर दिखाते हैं, इसी से ये पूरा कलरेशन करता है, मतलब कलर इन्हीं तीन से कलर पूरा बनता है। और ये जस्ट दिखे होंगे आपको, ये जस्ट एक प्रिज्म लग रहे हैं, थोड़ा डस्ट भी है इन पे क्योंकि ये थोड़ा बहुत ज्यादा यूज हुआ है, और थोड़ा ये कम दिख रहा होगा आपको सॉरी, बट क्या करें, जैसा भी है। और सामने से मुझे लग रहा है ये एक पिक्सलिंग है, मतलब जैसे एक डॉट के अंदर से, बल्कि जब ये इस गन से जो रे निकलेगी उस रे को वो फैल जाती है, लेजर लाइट फैल जाती है, बट जब ये इसके अंदर से पास होती है एक पिक्सल की तरह का, फोन के पिक्सल को कभी नजदीक से देखना तो छोटे छोटे आपको डॉट जैसे छोटे छोटे दिखेंगे, मतलब जुड़े जुड़े जैसे होंगे, तो वो एक पिक्सलेशन होते हैं। तो इसमें भी यही पिक्सलिंग है, बहुत ज़्यादा यूनिक है, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रहा है। तो देख सकते हो सामने से कुछ नहीं है, सामने से कुछ नहीं है कलरिंग, बट बैक साइड सब कुछ है, और इसी से हमारे जो स्क्रीन पे है ना इमेजेस बनते हैं इसी के थ्रू, तो लाइट पास होती है। और ये बीच में इस तरीके से रिंग क्यों है, क्योंकि ये हीट होने के बाद पावरफुल बीम डालता है इसके ऊपर, तो उसकी वजह से ये इस टाइप का सर्कुलेशन है, तो इसी टाइप से टीवी काम करता है। तो वीडियो अच्छी लगी प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। तो अब हम इसको तोड़ने वाले हैं, तो इसे हम हटा देते हैं, तो अब हम इसकी तोड़ा पाड़ी करेंगे। तो इधर वॉइस बहुत आ रही है तो मैं थोड़ा से तोड़ लेता हूँ। तो मैंने आपको दिखाया, तो ये हमने तोड़ दिया इसका शीशा, इसलिए ये हमने इसलिए नहीं तोड़ दिया क्योंकि ये जो हमारे सेटअप है वो नहीं दिखेगा। तो काफी यूनिक टाइप से ये जो छोटे प्रिज्म है इनका मेथड बहुत ज़्यादा, तो ये हीट होते हैं फिर जाके ये लेज़र बीम एक फास्ट तेज रिवीव, तो इस टाइप की टेक्नोलॉजी का शायद बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है। तो ये इस टाइप से स्प्रिंग वर्क कर रहा है, तो हम इसे भी तोड़ते हैं। तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे मैकेनिज्म यूज हुए हैं, जस्ट लाइक मोटर, हाथ कट जाएगा चलो कोई ना, आपके लिए इतना कर सकते हैं।
इसलिए लगा है क्योंकि हीट होने के बाद ये टूट ना जाए, इनकी फिलामेंट खराब ना हो जाए, इसलिए ये लगाया होता है। तो ये देखिए, एक सेकंड जस्ट वेट, ये देखिए आपको क्या लग रहा है, फास्ट एंड फ्यूरियस वाली कार जो होती है ना, उनके बोनेट पे होता है ना एक टाइप का, उसी टाइप का है, इनसे ही बीम निकलती है। बहुत ज्यादा सोचने वाली टेक्नोलॉजी है, मतलब कुछ नहीं है इनके अंदर, बट बीम निकल रही है। ये शायद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कुछ फिजिक्स का यूज हुआ है ज्यादा, इसलिए है। और देखते हैं, सेम चीज है ये, शायद इनका कोई काम नहीं, इनका तो सीधा मतलब कि रिफ्लेक्ट करने का एक ऐसे लेंस टाइप का रख लो, तो इसे साइड करते हैं। तो ये है, ये भी एक हीट की वजह से, ये भी एक वायरस के साथ कनेक्टेड है, एक वायरस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, दो तीन वायर इनके साथ कनेक्टेड है, तो ब्लड भी निकल गया है। ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, तो ट्राई नहीं करना ये घर में। तो ये देखिए, अब इसके असली काम ये करते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, जस्ट लाइक एक वायर्स की तरह है ये हीट होती है। तो इन जब हीट होती है, ये कलर्ड पोजीशन में निकलती है। ये देखिए थ्री बीम्स, मैं आपको तीनों दिखा देता हूँ, ये भी बाहर निकल जाए तो काम बन जाएगा। हाँ ये देखिए, ये आपको स्पायरल जैसी चीज़ें दिख रहे हैं ना, ये ही है जो ये काम करते हैं। तो ये मतलब अभी ओके कंडीशन में था टीवी, तो चलता भी था, बट हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि आप अपडेट हो चुकी है, तो टीवी भी अपडेट हो चुके हैं बोला आपको। तो ये बीम रेट इस तरीके से निकलते हैं, तो ये स्पायरल जैसे हीट होते हैं, तब जाके ये होता है। इस टाइप का ये सेटअप है, बहुत ज़्यादा यूनिक एक्सपेरिमेंट होते हैं, और साथ में साइंटिस्ट भी बहुत यूनिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ ऐसे टाइप की टेक्नोलॉजी बनाते हैं। तो कुछ इस तरीके से ही टीवी के शीशे की वजह से वैक्यूम के अंदर गैसेस, और जैसे जस्ट लाइक जैसे एक बल्ब होता है ना, बल्ब जल नहीं जाता, उसका फिलामेंट जलता नहीं है, ऐसे यूज करें जल जाता है, रूम हीटर या हीटर वगैरह की कॉइलें जलती है, बल्ब की क्यों नहीं जलती है, इसी टाइप का ये टीवी का। बट टीवी का एक मतलब कि एक बार सेट हो गया तो वो कभी नहीं जलेगा जब तक उसके फिलामेंट ओके होंगे। तो ये है सेटअप, और एक्सपेरिमेंट लगा हो अच्छा, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। तो इस टाइप की ये शीटिंग था, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा जो ये इसके ऊपर वाली शीटिंग है, क्योंकि फ़ोन की पिक्सल मैंने अब तक बहुत देखे हैं, फ़ोन की वर्किंग के बारे में भी पता है मुझे, बट ये वाला बहुत ज़्यादा यूनिक लगा टीवी का। आई लाइक दिस।